एक तो अभय देओल हमेशा अच्छी फिल्में करते हैं, तो उनकी फिल्म देखने का एक था कि वो अभय देओल हमेशा अच्छी फिल्में करते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Hey guys, welcome to Pop Bollywood. मैं हूँ मोनिका और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिल्म रिव्यू नानों की जानों के बारे में। जी हाँ, लोग काफ़ी एक्साइटेड थे ये फ्राइडे को मूवी की देखने के लिए और इसका रिव्यू आ चुका है। जी हाँ, मूवी छूट चुकी है, सारे जर्नलिस्ट लोगों ने देख लिया है, आम लोगों ने देख लिया है, तो चलिए पब्लिक से पूछते हैं, जर्नलिस्ट से पूछते हैं उनको ये मूवी कैसी लगी। मूवी कैसी लगी आपको? मूवी अच्छी थी, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, एंड थोड़ा सा जो डायरेक्टर हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ गए थे। वैसे जो मनु ऋषि हैं उनके डायलॉग बहुत अच्छे थे, उन्होंने एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी की। और जहाँ तक इसका सवाल है अपने अभय देओल का, वो बहुत अच्छे पत्र लिखा, फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे, सच बताऊँ बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत हंसी। फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकेंड हाफ थोड़ा सा बोर था, थोड़ा स्ट्रेच था, पता नहीं। आई थिंक जो फिल्म का एक टाइटल एक सॉन्ग है भागो भूत आया, मैं मतलब बस यही कहूँगा कि लोग ये फिल्म देखने के बाद उन्हें लाइक जो पैसे भर के देखने जाएंगे शायद उनका मन करेगा आज फर्स्ट हाफ के बाद ही भागने के लिए। पहले मुझे लग रहा था फर्स्ट हाफ काफ़ी बुरा है, बट सेकेंड हाफ बीट्स द फर्स्ट हाफ इन टर्म्स ऑफ स्टूपिडिटी, रिडिकुलस स्क्रीन प्ले। बट ये है कि मतलब फिल्म सेकेंड हाफ में वाहियत से और भद से बदतर होती जाती है। अच्छा, तो और किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी अभय देओल? और ये एक्टिंग मैं ही नहीं कहूँगा कि किसी इतनी बुरी है, बिकॉज अभय देओल ने अच्छा काम किया है। यहाँ प्रॉब्लम है स्टोरी की, स्क्रिप्ट की, स्क्रीन प्ले की, जो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। बट एक्टिंग की बात करूँ तो अभय देओल की ज्यादा अच्छी लगी या पत्र लेखा की? ऑब्वियसली अभय देओल की अच्छी लगी, पत्र लेखा सुंदर बहुत लगी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका रोल नहीं, शी वाज गुड, फिल्म वाज गुड, दोनों ही ठीक है। हाँ, दोनों ठीक है, अच्छे हैं। इंटरवल के पहले फिल्म एंटरटेनिंग थी, इंटरवल में इंटरवल तक ये लग रहा था कि अच्छी फिल्म है, लेकिन इंटरवल के बाद जब वो धीरे धीरे करके जब परतें खुलती गई तब पता चला कि उसमें मतलब ये थोड़ा एंटरटेनमेंट जो है, जो मनोरंजन, वो ज्ञान में जब परिवर्तित हो गया तो थोड़ी निराशा हुई, बस यही है। फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा लगा है, सेकेंड हाफ? मैंने जैसे आपको कहा ना, मुझे पहले फर्स्ट हाफ बुरा लगा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि सेकंड हाफ में एक अर्थक्वेक आने वाला है, मतलब बहुत भारी भारी पड़ेगा, तो वही है, मतलब बड़ा दुख है कि मतलब आई पर्सनली लाइक कि मतलब हॉरर फैंटेसी या हॉरर कॉमेडी हो, बट सेकंड हाफ में ऐसा कुछ नहीं है, कॉमेडी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छी है, सेकंड हाफ थोड़ी सी वीक है, हाँ, लेकिन जो एंड था वो प्रिडिक्टेबल नहीं था। मैंने पूरी फिल्म एंजॉय करी, लास्ट में थोड़ा सा लगा खिंची हुई, बट एट द एंड लॉजिक भी अच्छा था, थोड़ा मैसेज भी था, तो ओवरऑल फिल्म इज वेरी गुड, आई लव। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये एवरेज है, हिट है, फ्लॉप है, किस तरह की मूवी है? नहीं नहीं नहीं, फिल्म अच्छी है, थीम भी अच्छा है, बट एंड उसका उतना प्रभावित नहीं करता है, बट इसको 3 स्टार दिया जा सकता है। सुपर 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 डुपर फ्लॉप कहलाने वाली है। ऐसी माइंडलेस फिल्में तो लोग देखते हैं, देख भी सकते हैं, अभय देओल के नाम पे आएंगे भी, जो लोग जानते हैं कि अभय देओल की फिल्में जनरली अच्छी होती हैं, तो आएंगे देखने के लिए। एंड थोड़ा सा अजीब है, ये है, तो पूरी फिल्म देख चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है फिल्म, लेकिन इंटरवल तक तो अच्छी लग रही थी, इसके डायलॉग्स भी अच्छे हैं, मतलब जो आज की बोल चाल की भाषा में और यंगस्टर्स जैसे बोलते हैं, जो करते हैं, वैसे उससे जैसी फिल्म अच्छी। वैसे अंडा देना चाहूँगा, एक नाइस गोल अंडा, 2.5 से ज़्यादा नहीं देंगे, 5 में से मैं 3 दे सकती हूँ। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा मूवी को थोड़ा एग्जैजरेट करें, थोड़ा एक्सटेंड है सेकंड हाफ? थोड़ा तो है ही, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, थोड़ी 10-15 मिनट कम हो सकती थी, बट ओवरऑल बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत फ्रेश हो गया मूड, इट्स गुड, अच्छी है। पता नहीं था कि क्या होने वाला, पिक्चर अच्छी है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, फैमिली पूरी फैमिली को लेके जा सकते, बच्चों को लेके भी बन जा सकते। यूजुअली जो सेंसर, मैं खुद सेंसर बोर्ड में रही हूँ और ये जानती हूँ कि इस तरह की फिल्मों को बच्चों को नहीं दिखाई जाती है और उसको ए सर्टिफिकेट मिलता है, इसको यूए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको बच्चों को भी दिखाया। दुख की बात है कि बच्चे ये फिल्म देख शायद नहीं पाएंगे, क्योंकि खासकर जो अंडर 18 है, बट आइडियली ये फिल्म मेरे ख्याल से बच्चों को हंसाने के लिए है।
कि भूत भूत कैसे हैं। आई थिंक कुछ थोड़े बहुत सीन्स है इसमें जो मतलब विच स्केयर यू गिव यू द श्रिल, बट उसके अलावा और कुछ नहीं है। मूवी के गाने के बारे में क्या कहना है? गाने तो मुझे समझ ही नहीं है, मैंने सब पहली बार सुने तो मुझे पता ही नहीं कि कैसे, बट गानों की जरूरत मतलब गाने नहीं भी होते तो भी चलता है। अच्छा, अगर वापस देखने का मौका मिला तो देखोगे? नहीं नहीं, अगर कोई भूत भी मेरे साथ आया तो भी नहीं देखूंगा। आई थिंक इससे अच्छा बेहतर ये फिल्म देखने से अच्छा मैं जाके 2-3 ग्लास बियर पी लेता हूँ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बियर का इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मैं भी आप लोगों को वही एडवाइस करूँगा, अगर आप ये फिल्म देखने वाले हैं तो पहले बियर हो या जो भी आप पीते हैं अपना पॉइजन हो पहले पी के जाइए। इंटरवल तक देख लेंगे, इंटरवल तक अच्छी है तो इंटरवल तक देख लेंगे। दोबारा भी टीवी पे देख सकती हूँ, नॉट दैट बैड। तो जैसे कि आप सबने देखा, इसको काफी मिक्स्ड रिव्यू मिल रहे हैं, किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। तो गाइज आप जाइए ये फ्राइडे और आप हमें बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। जी हाँ, आप देखिए मूवी वीकेंड को, और मुझे जो भी है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको मूवी कैसी लगी है और आप कितने एक्साइटेड थे, और क्या आप इससे डिसअपॉइंट हो या आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जो भी है आप हमें ज़रूर बताइए, और देखते रहिए रिव्यूज़ के लिए only popbollywood.com।